जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिहार आईटीआई का, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम लोग क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं और क्रैश कोर्स में सिर्फ वैसे प्रश्न को लिया जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई होता है। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि लाइव पढ़ाइए। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए आपके लिए लाइव क्लास भी चलाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? पूछेगा तो यहीं से पूछेगा फ्रेंड्स, वरना नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, बताइए। सही जवाब है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, डायट कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, डायट कहा जाता है। 76 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, बताइए। 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर प्रश्न की ओर। तो सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट पेपर कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, बताइए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या होगा? आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 77 का सही जवाब फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आईटीआई का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, उसमें जो मीडियम लेवल का प्रश्न रहेगा, मीडियम लेवल का प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, ज़्यादा हाई लेवल का प्रश्न को मत पढ़िए। आप जो जितने भी यूट्यूब पर क्लास देखते हैं फ्रेंड्स, उस समय जो है हाई लेवल का प्रश्न को बताया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, आएगा तो ऐसा ही प्रश्न आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत एवं पाकिस्तान की बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, बताइए सही जवाब। तो फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ, ठीक है। आगे चलते हैं। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एकदम यही प्रश्न पूछेगा, मैकमोहन रेखा जो है किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? 79 का सही जवाब, बताइए। तो 79 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं चीन, ठीक है। अब लाइव पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, आपके लाइव क्लास भी लाया जाएगा, ठीक है। और जीके जीएस का फ्रेंड्स टेंशन छोड़ देना है, यही इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? शोरा, क्वेश्चन है कि शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? सही जवाब अफगानिस्तान, याद रखिएगा अफगानिस्तान। आगे चलते हैं। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? सही जवाब 81, सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों, तुर्की और पाकिस्तान, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत जो है कहाँ की संसद को कहा जाता है? मैं बार बार नहीं बोलूंगा फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार बोल दिए हैं और सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, ठीक है। तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। आगे चलते हैं। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? 83, तो 83 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, निसेट कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? देख सकते हैं फ्रेंड्स ये प्रश्न कैसा है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली। 84 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? 85, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? 85, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गरबा जो होता है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गरबा, सही जवाब बताइए, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? 86, तो 86 का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का, ठीक है। आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 87, मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? 87, ऑप्शन नंबर सी, केरल का, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम, ठीक है। आगे चलते हैं बिहू। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 89 नंबर, कि सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? 89 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिहार का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान कौन फ्रेंड्स? अरे ये कैसे गड़बड़ा क्या, रुकिए, देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान संगीत की किस विद्या में पारंगत थे? बताइए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 90 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी, शहनाई वादन का संबंध जो है बिस्मिल्ला खान से है। अगला क्वेश्चन है, शिवकुमार शर्मा संबंधित है, शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? 91,
शिव कुमार शर्मा। तो 91 का सही जवाब जगह बताइए क्या होगा। 91 का फ्रेंड सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर ए संतूर वादन से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी। तो 92 का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। अमजद अली खां किससे संबंधित है? अमजद अली खां। तो सही जवाब फ्रेंड सरोद वादन से अमजद अली खां संबंधित है। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? 94 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड सितार वादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? 95 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं। भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म थी? 96 सही जवाब फ्रेंड्स आलम आरा। ठीक है आगे चलते हैं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी? भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी? 97 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 सितंबर 1959 को। आगे चलते हैं। दूरदर्शन एवं रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई? दूरदर्शन और रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई? 98 ऑप्शन नंबर बी हो जाए फ्रेंड्स 1982। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान है? भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान 99 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है बताइए किसको? तो सही जवाब खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया? किसे सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया? 101 नंबर प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी सी राजगोपालाचारी को। ठीक है आगे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? 102 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 में। फ्रेंड्स एक सूचना है, मैं बार बार जो आपको बता रहा हूँ, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं। हम देखेंगे कितना स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद जो है आपके लिए लाइव क्लास भी लाया जाएगा। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स पॉलीटेक्निक के लिए और पारामेडिकल के लिए भी क्लास चलेगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप पॉलीटेक्निक का पढ़ सकें और पारामेडिकल का। आप इस चैनल को भी सॉरी फ्रेंड्स ये जो वीडियो है इसको शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है तो 103 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी 1969 से। ठीक है आगे चलते हैं। पराक्रम के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, पराक्रम के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार 104 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 104 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं 105 नंबर प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, सही जवाब बताइए, ऑप्शन पढ़िए और उसका जवाब बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है 105 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। बताने से ये होता है कि इससे हमको पता चल पाएगा कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है आप जरूर बताया कीजिए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था? इनमें से कौन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था? 106 सही जवाब फ्रेंड्स ऑरन पामुक। आगे चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? 107 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आशा पूर्णा देवी। आगे चलते हैं 108 नंबर प्रश्न की ओर। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 108 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनेस्को। आगे चलते हैं। निम्न में से किससे वर्ष 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? 109 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देविका रानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स छोड़िए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में। ठीक है तो चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं।